हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने के देखिए आज के क्लास में फिर से जो फैक्टर्स अफेक्टिंग चल रहा था उसमें एक लास्ट पॉइंट छूटा हुआ था जिनका मैं बोला था कि एक अलग से क्वेश्चन आता है उन्हीं पर मैं बात करने वाला हूं। ज़रा देखिएगा क्या है वो क्वेश्चंस या वो क्या है वो टॉपिक। तो हम लोग क्या देख रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग है ना किसको, ऊष्मागतिक स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। उनमें से पहला कारक देख चुके थे धातु से संबंधित और मेटल से रिलेटेड, और दूसरा कारक देख चुके थे लिगेंड से रिलेटेड। लिगेंड से रिलेटेड में क्लेट इफेक्ट को पिछले क्लास में हम लोग काफ़ी डिटेल में ले गए हैं। एक तीसरा कारक था जिसको भी मैं, पॉइंट खत्म हो चुका है, अब ये सेपरेट टॉपिक की तरह पढ़ा रहा हूँ, है ना। जितना भी फैक्टर्स अफेक्टिंग था वो क्लेट इफेक्ट के पहले वाले क्लास में पूरा हो चुका है। अब उसको थोड़ा सा अलग से पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा अलग से बता रहा हूँ। तो यहाँ से देखना कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का प्रभाव या संकुल का प्रभाव, जो सी था उसको थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ, ठीक है। ये जब नंबर ज़्यादा आएगा तभी डिटेल करना है, अलग से पूछा जाएगा तभी इतना बताना है, ठीक है ना। मेरे क्या है कि स्थायित्व पर हेडिंग क्या लिखूंगा भाई, इसके लिए अलग से हेडिंग बना देता हूँ। स्थायित्व पर, ऊष्मागतिक स्थायित्व पर, ऊष्मागतिक स्थायित्व पर संकुल का प्रभाव, संकुल का प्रभाव, इसी को बोलते हैं संकुल का प्रभाव या विद्युत क्रिस्टल क्षेत्र का प्रभाव, क्रिस्टल क्षेत्र का प्रभाव, ठीक है। आप इंग्लिश में लिख सकते हो कि इफेक्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड, इफेक्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड ऑन द स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये लीजिए, ये इस हेडिंग पे ले रहा हूं। ये कौन सा पॉइंट है, क्लियर हुआ? ये फैक्टर्स अफेक्टिंग का सी पॉइंट है। सी पॉइंट में वहां पर बस इतना बोल देते, वहां पर सीएफएसी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी इतना बोल देते काफी था, लेकिन अब उसको डिटेल किया जा रहा है। समझिए क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के फैक्टर्स अफेक्टिंग हम चला रहे हैं। आप याद करें, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी या ये जो क्रिस्टल कॉम्प्लेक्स पढ़ते थे, विपाटन पढ़े, स्प्लिटिंग पढ़े, है ना, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, सभी तरह के कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में हमने डी कक्षा का विपाटन पढ़ा। उस विपाटन का जो फाइनल टॉपिक था उसमें आपने देखा होगा कि हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ, पूरा संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र का क्या प्रभाव है। तो पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि सीएफएसी प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है। जो सीएफएसी वैल्यू है वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के समानुपाती है, ऊष्मागतिक स्थायित्व के समानुपाती है। कौन? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ये फैक्ट है। दूसरा बात ये कि ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी समानुपाती है, वहाँ तक ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं उसको देखिए, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी समानुपाती है ये फिक्स हुआ। कुछ कॉम्प्लेक्स जब सीएफएसी की वैल्यू का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट बराबर हो, है ना, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देखो, तो उस पर साइज और चार्ज दोनों का असर दिखता है। कहने का मतलब इसमें तीन फैक्टर दिखने वाले हैं, सीएफएसी प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। सीएफएसी की जगह में आप क्या ले सकते हो, डेल्टा भी ले सकते हो। डेल्टा मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दोनों का एक ही मतलब रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ क्या देखें, यहाँ फिलहाल एक ही मतलब रहेगा, लेकिन दोनों में बारीक अंतर क्या है वो हम पहले बात कर चुके हैं। हम ये भी देखे हैं चार्ज प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, हम ये भी देखे हैं कि रेडियाई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है। तो इन तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं ना, तो ऑर्डर कई बार अबनॉर्मल हो जाता है। और भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी एक फैक्टर के अकॉर्डिंग आंसर कर दूँ। अगर किसी क्वेश्चन में तीनों फैक्टर वर्क कर रहा है तो आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो तो तीनों को कंसिडर करेगा, मशीन जो वैल्यू एक्चुअल है वो तो तीनों के कारण आएगा। तो हम किसी एक के कारण आंसर निकालेंगे तो वो आंसर हमारा गलत होगा। तो इसीलिए हमको तीनों फैक्टर को कंसिडर करना पड़ेगा।
अच्छा, इस टॉपिक में आपको याद होगा मैं बोला था एक नाम से पूछा जाता है, इरविंग विलियम श्रेणी, इरविंग विलियम सीरीज, तो वो क्या है उस पर बात करूंगा। जैसे देखें मैं यहाँ पर बात करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे हमने कुछ फर्स्ट डी ब्लॉक सीरीज का कुछ एलिमेंट लिया। मैं शुरू कर रहा हूँ कहाँ से, मैंगनीज से, मैंगनीज 2+, ठीक है। एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, मैंगनीज, मैंगनीज के बाद कौन आता भाई, आयरन 2+, मैंगनीज आयरन, आयरन के बाद कौन आता भाई, कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट के बाद निकिल 2+, निकिल के बाद यहाँ से आ जाता है कौन, कॉपर 2+, और फाइनली जिंक 2+। ये दो मेटल आयन है, मैंने इनका इन M2+ आयन का H2O कॉम्प्लेक्स वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स है ना, वो भी ऑक्टाहेड्रल लिया, वो भी ऑक्टाहेड्रल लिया। कहने का मतलब कैसा लिया, M H2O होल 6 और बाहर चार्ज 2+, इस तरह का कॉम्प्लेक्स लिया। और इनके कॉम्प्लेक्स बनाने की या जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है जिसको हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, बीटा से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल किया है ना। अब उसके देखो ग्राफ को देखना, यहाँ पर ग्राफ, तो पहले रुको, ग्राफ के पहले इनकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना, इनकी जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे आता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर में आप गौर करें, मैंगनीज 2+ सबसे कम आता है, फिर आयरन की ओर बढ़ता है, फिर कोबाल्ट फिर बढ़ता है, निकिल फिर बढ़ता है, और कॉपर फिर बढ़ता है, लेकिन कॉपर के बाद अचानक कम हो जाता है, जिंक में जाके अचानक कम हो जाता है। अब इस सवाल का जवाब जब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न आता है ना, सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आता है। कैसे कन्फ्यूज़न भाई, ज़रा देखिए, यहाँ से एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। अब इसी रिजल्ट को दिखाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, वो ग्राफ किसके किसके पीछे बता रहा हूँ। इधर पर लेते हैं लॉग बीटा, बीटा समझ गए क्या, बीटा मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट, उसका हमने लॉग ले लिए हैं। और इधर पर ले रहे हैं जेट एटॉमिक नंबर मैंगनीज से शुरू करके, तो मैंगनीज से शुरू करते हैं तो क्या होता है, ऐसे इस लाइन में मान लो चले तो पहले इतना भी स्लिप स्टीप नहीं, थोड़ा सा डाउन स्लोप करके, तो मैंगनीज मान लो कहीं पर भी आए, मैंगनीज सपोज कहीं आ रहा है, सपोज करो मैंगनीज का पॉइंट ये है, ठीक है, तो पहले वो स्टेबिलिटी बढ़ाता है, कहाँ तक बढ़ाता है, तो याद रखना ऐसे दिखेगा निकिल तक बहुत अच्छे से बढ़ता है, फिर थोड़ा सा स्लोप लेते हैं कॉपर का हाईएस्ट रहता है और जिंक का फिर से डाउन हो जाता है, और मैंगनीज के बाद कौन भाई, आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, और ये जिंक, इस तरह से ग्राफ दिखेगा है ना। अगर इसको ऐसे मिलाऊं तो ये इस तरह से, तो मैंने इस तरह से कोई ग्राफ बना दिया है ना, ये इसको 20 लाइन मिलाते हुए ऐसे एक लाइन से खींच सकता हूँ, लेकिन मेरा जो मुख्य एक्सपेरिमेंटल लाइन है वो ये है। यहाँ पर कौन है, तो ये मैंगनीज है, ठीक है, ये कौन है, तो आयरन 2+ का है, ये कौन है, कोबाल्ट 2+ है, ये निकिल, और ये कॉपर, फाइनली जिंक 2+, इस तरह से दिखाते हैं। तो ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है उसमें कारण बाद में देखते हैं, इसी स्टेबिलिटी ऑर्डर को इरविंग विलियम सीरीज बोलते हैं, इरविंग विलियम सीरीज, ठीक है, इरविंग विलियम सीरीज बोला जाता है इसी स्टेबिलिटी ऑर्डर को। तो और उसके नीचे एक ग्राफ ये देखेंगे, अब यहाँ कारण पर डिस्कस करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। तो आप सोचिए, इधर से इधर जब हम चलेंगे, इधर से इधर चलेंगे तो क्या क्या चेंजेस हो रहा है। मैं पहले चार्ज और रेडियाई को पहले सोचता हूँ। पहले देखो चार्ज को तो कांस्टेंट रखे हैं, चार्ज फिलहाल कांस्टेंट है, तो चार्ज का असर नहीं दिखा है, कहने का मतलब चार्ज का कोई असर नहीं है, ये फिलहाल छोड़ दिया जाए। रेडियाई देखा जाए, किसी भी पीरियडिक टेबल में, पीरियडिक टेबल के किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो साइज हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, साइज छोटा होता है। तो साइज छोटा हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आर डिक्रीजेस, और आर डिक्रीजेस तो क्या हो रहा है, आर डिक्रीजेस तो स्टेबिलिटी
इंक्रीजेस, यहाँ पर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। देखो इंक्रीज हो भी रहा है, लेकिन इंक्रीज ना प्रॉपर नहीं है, इंक्रीज प्रॉपर नहीं है। कहने का मतलब कभी एक यहाँ तक बढ़ा, यहाँ तक बहुत अच्छे से बढ़ा, फिर धीरे घटना शुरू हो गया, फिर धीरे धीरे घट गया। अब यहाँ से देखो क्यों ऐसा हुआ, तो जिनमें चार्ज सेम है और रेडियाई का असर अब नॉर्मल हो रहा है, वहाँ एक्चुअली गवर्न कौन करता है, सी एफ ए सी गवर्न करता है। और आप सी एफ ए सी को याद रखो, मैंने लिखा है सी एफ ए सी प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, तो सी एफ ए सी को याद रखें, सी एफ ए सी वैल्यू जिसकी ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब आपने सी एफ ए सी निकाल रखा है, मैं याद दिलाऊँ आपको, D5, D6, D7, D8, D9, D10 और वाटर लिगेंड है तो वीक फील्ड की तरह, आप भर के सी एफ ए सी निकाल के देखिएगा, है ना। सबसे ज़्यादा सी एफ ए सी आता है निकिल का, मतलब मैंगनीज का जीरो आता है, जीरो से बढ़ते हुए निकिल का आता है 2.4 समथिंग या जो भी आएगा, 2.0 समथिंग जैसा भी आएगा, आप उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो भी वैल्यू आए, मैं एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, आप निकाल के देखना, जो भी वैल्यू आए, ये जो वैल्यू आ रहा है वो निकिल तक जाके एकदम एकदम लगातार बढ़ रहा है, ये भी सपोर्ट कर रहा है स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और सी एफ ए सी भी सपोर्ट कर रहा है स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब वैल्यू निकाल लेना भाई, मैं आपको सिखा चुका हूँ कि ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्स में कैसे सी एफ ए सी वैल्यू निकाला जाता है। तो अब डेल्टा ओ के टर्म में वैल्यू निकाल लेना, तो वैल्यू को ही देखना, साइन वाइन में देखना, तो वैल्यू देखना, तो वैल्यू में धीरे 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 जब आओगे तो निकिल तक वैल्यू बढ़ता है और निकिल के बाद घटता है, और इसमें मैंगनीज और जिंक में दोनों में जीरो होता है। ये D10 कॉन्फ़िगरेशन है, ये D5 कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड है और इधर फुल फील्ड है, हाफ फील्ड फुल फील्ड सब में या D0 में पूरा सी एफ ए सी का वैल्यू आता है क्या, जीरो। तो इन दोनों में सी एफ ए सी का वैल्यू आता है जीरो, किसमें किसमें, फर्स्ट और लास्ट में। तो इनमें जो सी एफ ए सी वैल्यू जीरो आने के कारण, देखो इसका जो स्थिति है एक लाइन में है, इसका मतलब ये बढ़ाया बढ़ा क्यों, इतना ज़्यादा बढ़ा क्यों। अगर सी एफ ए सी वैल्यू, मान लो किसी का सी एफ ए सी वैल्यू कंसिडर नहीं करता, या सी एफ ए सी वैल्यू इसको डिसाइड करने में कोई रोल प्ले नहीं करता, तो ये सारे लाइन से 1, 2, 3, 4 ऐसे प्लेन में आते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं, क्योंकि ये केवल रेडियाई और चार्ज पर डिपेंड करता फिर, है ना। तो अब क्या करें, चार्ज तो ऐसे भी कांस्टेंट कर दें, केवल रेडियाई पर डिपेंड करता बोलता, लेकिन आप याद रखें यहाँ ये अपर या डाउन हुआ है, वो उसका जो असर है वो किसके कारण, सी एफ ए सी के कारण। लेकिन सी एफ ए सी के कारण ये भी नहीं बोल सकता किधर जाने पर बढ़ेगा, क्योंकि देखो पहले बढ़ा फिर घट रहा है ना। तो आप सी एफ ए सी का वैल्यू जब देखेंगे, निकिल का हाइएस्ट आता है, अब निकिल का हाइएस्ट आता है तो होना क्या चाहिए था, निकिल का हाइएस्ट और ये कॉपर का नीचे और जिंक का नीचे, इसका मतलब सी एफ ए सी भी पूरी तरह काम नहीं किया है, है ना, सी एफ ए सी भी पूरी तरह काम नहीं किया है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो वर्क तो कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं, हर जगह नहीं, कॉपर में ये काम नहीं कर रहा है। नहीं तो होना क्या चाहिए था, निकिल के बाद ये कॉपर को ऐसे डाउन हो जाना चाहिए था, मतलब ऐसे आ जाना चाहिए था, कॉपर यहाँ होना था, निकिल से कम होना चाहिए था, जबकि ये आ रहा है निकिल से ऊपर। हालांकि वो सी एफ ए सी का असर दिख रहा है, तो इसके बाद बेंट होना शुरू हो गया है, लेकिन इतना भी बेंट नहीं हुआ है कि कॉपर को नीचे कर दिया है। जिंक भले नीचे है, किससे, निकिल से, लेकिन कॉपर नीचे नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके पीछे क्या, तो पहले तो ये बोलूँ कि यहाँ पर कि मैंगनीज टू निकिल सी एफ ए सी इंक्रीजेस, मैंगनीज टू निकिल सी एफ ए सी इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से कहाँ, मैंगनीज से निकिल तक सी एफ ए सी इंक्रीज हो रहा है, है ना। तो यहाँ यहाँ तक का ऑर्डर तो बिल्कुल सी एफ ए सी से डिफाइन हो गया, लेकिन कॉपर में क्यों ऐसा डिक्रीज, कॉपर में तो कम होना चाहिए, कॉपर लेकिन हाइएस्ट है, तो कॉपर के हाइएस्ट होने का कारण क्या है, बता रहा हूँ, आप कहीं पर लिख सकते हैं कि यहाँ पे, है ना, यहाँ याद रखना कॉपर 2+ में D9 सिस्टम है, और D9 सिस्टम में जॉन टेलर, मैं JT लिखा हूँ, ठीक है, जॉन टेलर विचलन या डिस्टॉर्शन होता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है या जॉन टेलर विचलन होता है, किसी यहाँ के इतना स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इसमें कॉपर के अलावा और कहीं नहीं होता, या कॉपर में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के कारण ये और फर्दर स्प्लिट हो जाता है, ये ऑक्टाहेड्रल ना होकर पूरी तरह क्या हो जाता है, टेट्रागोनल शेप में पहुंच जाता है, और टेट्रागोनल का सी एफ ए सी डेल्टा वैल्यू ऑक्टाहेड्रल से ज़्यादा हो जाता है ना, डेल्टा वैल्यू ज़्यादा हो जाता है।
तो इसीलिए यहाँ पर ये सबसे हाईएस्ट हो जाता है। तो इसका कारण क्या बोलोगे, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जॉन टेलर विचलन के कारण कॉपर में डेल्टा का मान बढ़ जाता है और फाइनली समझो सीएफएसी बढ़ जाता है। तो सीएफएसी इनडायरेक्टली है, तो यहाँ पर इतना, अब देखो ये इरविन विलियम श्रेणी के नाम से अलग से पूछा जाएगा, फैक्टर्स के नाम से पूछे तो जैसा लिखना वैसे लिखाना, जैसा लिख दिया मैं वैसे लिख लेना, शब्दों में जो बोला हूँ उसको समझ के एक दो स्टेटमेंट लिखना है। कैसे लिखना मैं बता देता हूँ। पहले देखिएगा, पहले पॉइंट क्या लिखेंगे, सीएफएसी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, लेकिन सीएफएसी के अलावा चार्ज और रेडियाई का भी असर दिखता है। फिर उसके बाद लिख देंगे, यदि हम मैंगनीज 2 प्लस से लेके जिंक 2 प्लस के 3D सीरीज के मेटल को के एक्वा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देखें, एक्वा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देखें, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का ऑर्डर सामान्य नहीं होता, नियमित नहीं होता, रेगुलर नहीं होता, है ना। और रेगुलर नहीं होता तो वो कैसे आता है, तो वो इन दोनों ग्राफ को आजू बाजू बना देना, ऑर्डर बना देना, इस तरह से आता है। फिर बना इसी क्रम को ही, स्थायित्व के इसी क्रम को ही इरविन विलियम श्रेणी कहा जाता है, जिसमें तीन फैक्टर काम करते हैं। पहले इधर से इधर जाने पर रेडियाई कम होता है, इसलिए स्टेबिलिटी सामान्यतः बढ़ती है। दूसरा, मैंगनीज से लेकर निकिल तक स्टेबिलिटी रेगुलर बढ़ती है, क्योंकि यहाँ सीएफएसी का मान भी बढ़ता है। फिर वहाँ पर देखना, कॉपर का अबनॉर्मली हाई हो जाता है, तो उसका कारण है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, जिससे उसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है और डेल्टा का वैल्यू बढ़ता है, इसलिए इसका हाईएस्ट दिखाई देता है। और जिंक और आखिरी पॉइंट्स लिख सकते हो, जिंक और मैग्नीशियम में सीएफएसी का मान जीरो होता है। अब सीएफएसी कैलकुलेट नहीं करा रहा हूँ, वैसे सीएफएसी आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं, सीएफएसी का वैल्यू जीरो होता है, इसलिए ये एक सीधी रेखा में टिकता है, इसका जिगजैग नहीं हो पाता, ठीक है। तो इतना लिख दोगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, इतना ही इरविन विलियम श्रेणी का क्रम है, ठीक है, क्लियर है बात। हाँ भाई, अब एक और पॉइंट आ जाता है इसी में, जल योजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी या जल योजन ऊर्जा के बारे में बात करूं। देखेंगे हाइड्रेशन एनर्जी या जल योजन ऊर्जा क्या है। जल योजन ऊर्जा कि अगर हमको कोई M2 प्लस कॉम्प्लेक्स दिया गया है और हमको यहाँ पर जैसे हमको ऑक्टेटल बनाना है तो 6 वाटर मॉलिक्यूल लिया है, या एक्सेस में ले सकते हैं, वो मेटल अपने हिसाब से चुन सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने बना दिया M H2O होल 6 और 2 प्लस, इस तरह से एक्वस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी को इस तरह से लिखोगे तो प्लस में करना, और कॉमा करके ऐसे लिखोगे तो एंथैल्पी के फॉर्म में दिखाना, ठीक है। और जो नेगेटिव होता है, रिलीज मतलब नेगेटिव, तो रिलीज हुआ है या नेगेटिव वैल्यू एक आता है, तो उस नेगेटिव वैल्यू को हम देखें तो यही है हाइड्रेशन एनर्जी। ये यही क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी जल योजन ऊर्जा। तो यहाँ क्या बात करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी जल योजन ऊर्जा प्रोपोर्शनल टू होता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। और कोई पूछे कि हाइड्रेशन एनर्जी कैसे जज होता है भाई, तो ये बिल्कुल सिंपल है, चार्ज Q1 Q2 अपॉन R, या ऐसे लिख दो सीधा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, Q/R, ये Q/R के समानुपाती होता है। और वही सीएफएसी के समानुपाती भी होता है भाई, ये लीजिए, ठीक है, सीएफएसी के समानुपाती भी होता है। अब इसी में एक नोट पॉइंट जैसे बनाऊं, तो नोट पॉइंट में ये देखना, नोट पॉइंट में जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना, हाइड्रेशन एनर्जी दो तरह का होता है, एक ऑब्जर्व्ड, एक कैलकुलेटेड। हाइड्रेशन एनर्जी दो तरह का होता है, ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड। तो ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड का जो डिफरेंस है वो सीएफएसी के बराबर होता है, ठीक है ना। जो ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड का जो डिफरेंस है वो सीएफएसी के बराबर होता है। जैसे ये है, ये एक्सपेरिमेंटल और ये थ्योरेटिकल, है ना, प्रायोगिक और सैद्धांतिक, मैं मॉडल्स लगा दिया हूँ, आप ना केवल वैल्यू रख के कर देना, तो ये सीएफएसी के बराबर आ जाता है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें ये समझो, ये हाइड्रेशन एनर्जी, इसको दूसरा नाम लिखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी विद सीएफएसी, इसमें सीएफएसी जुड़ा है। और जब हम बाहर से देखते हैं, देखो सीएफएसी अंदर की बात है,
वो दिखता नहीं है, लेकिन बाहर से देखोगे क्या दिखेगा, चार्ज दिखेगा, रेडियाई दिखेगा, सीएफईसी गायब दिखेगा। अब भाई कोई कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाएगा तो कॉम्प्लेक्स में जब तक हम सीएफईसी नहीं पढ़े थे क्या आप सीएफईसी देख सकते थे? नहीं, वहाँ दो ही चीज़ दिखता था एक्सपेरिमेंट में, रेडियाई और दूसरा चार्ज। तो इसलिए वो छुपा हुआ है, इसलिए हम यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी में ही छुपा है बोलते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी जो सीएफईसी के साथ है ये कब दिखता है? जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तभी इसका असर दिखता है। तो बाद में सोचा जाता है कि एक्सपेरिमेंटल हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों आया, तो बाद में समझ में आता है कि इसमें रेडियाई का फैक्टर भी शामिल है, चार्ज के फैक्टर भी शामिल है, लेकिन फिर भी चार्ज और रेडियाई से तो इतना आना चाहिए, लेकिन ये इतना क्यों आ रहा है? तो इसमें देखा जाता है कि इसमें सीएफईसी भी तो शामिल है जी, तो सीएफईसी शामिल है इसलिए सीएफईसी के साथ हाइड्रेशन एनर्जी इतना और विदाउट सीएफईसी इतना। तो ये थ्योरेटिकल है, हम केवल चार्ज और रेडियाई से थ्योरी के हिसाब से सोच रहे थे, और ये एक्सपेरिमेंट में समझ में आया कि यहाँ कुछ एक एनर्जी और है जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके रखा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CFAC। और CFAC के इन दोनों का डिफरेंस जब करते हैं तो वो एक्चुअल CFAC वैल्यू निकलता है। एक्चुअल में यही प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल तरीका है CFAC निकालने का। तो ये इतना अगर बता दिया जाए तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का पूरा पार्ट A to Z खत्म हो जाता है। इतने में मोर देन सफिशियंट नोट्स बन जाता है और इसमें स्कोरिंग भी आपका ठीक ठाक हो जाता है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का पार्ट यहाँ फिनिश करते हुए बलगतिक स्थायित्व में अगले क्लास में चलेंगे। तो नोट करिए, आज का छोटा क्लास यहाँ तक का है।